राहुल वैद्य को पूछा गया है कि क्या दिशा परमार को प्रपोज करना नेशनल टेलीविजन पर उनकी एक गेम स्ट्रैटेजी थी। चलिए बताते हैं कि इस पर राहुल ने क्या जवाब दिया है, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बिग बॉस सीजन 14 के घर अब फिनाले राउंड चल रहा है, फिनाले वीक चल रहा है और जल्द ही फिनाले भी विटनेस करने मिलने वाला है हम सभी को। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अब बिग बॉस के घर में आरजे राउंड चल रहा है और आरजे राउंड के समय बिग बॉस में जो घर के अंदर जो सारे के सारे आरजेज आए हैं उन्होंने ये पूछा है राहुल वैद्य से कि आखिरकार क्या दिशा परमार को नेशनल टेलीविजन पर प्रपोज करना उनकी एक गेम स्ट्रैटेजी थी। इस पर राहुल थोड़े से हक्का बक्का हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और कह देते हैं उस आरजे से कि दिशा मेरा गेम नहीं है, मैं उनसे जेन्युइनली प्यार करता हूँ और मैंने सिर्फ अपने प्यार का इजहार किया है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं उनको निकी के बारे में भी ये पूछा गया कि निकी ने जो उनको इम्यूनिटी दी उसके बाद निकी भी थोड़ी सी सेफ हो गई। फिर जिस प्रकार से उन दोनों के बीच जो इंटरेक्शंस हो रही थी उससे राहुल थोड़े से खफा खफा नजर आ रहे थे। तो इस पर राहुल वैद्य कहते हैं कि मैं उस रिलेशनशिप में यानी निकी के साथ जो मेरी दोस्ती है उस पर भरोसा ही नहीं करता हूँ। वो एक बार मुझे इम्यूनिटी दे देती है, दूसरी दफा मेरे से आकर झगड़ती है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों आपको क्या कहना है राहुल के इन जवाबों के बारे में जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।